नमस्कार, रेसिपी हॉल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पपीते और चना दाल की करी, जिसे खाने के बाद आप नॉनवेज खाना छोड़ देंगे। ये बहुत स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी होता है। लेकिन इसे बनाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। पपीते की करी के लिए हमें चाहिए कच्चा पपीता 500 ग्राम, चना दाल 100 ग्राम, 3 फाइन चॉप किए हुए टमाटर, बड़े टमाटर, एक प्याज को फाइन चॉप करके हमने ली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, शुगर 1 चम्मच, 1 तेज़पत्ता, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, नमक और तेल। इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, इसलिए हमने प्रेशर कुकर में 4 टेबलस्पून तेल लिए है और इसमें चीनी को डाल दिया है और 1 तेज़पत्ता और 2 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। चीनी जब थोड़े से कैरामेल हो जाए, इसमें हम फाइन चॉप की है प्याज डालेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, चीनी को हमें कैरामेल करना है, इसे जलाना नहीं है, वरना सब्जी जो है कड़वा हो सकता है। प्याज को हम अच्छी तरह भुनेंगे, 1 मिनट तक भुनेंगे। ये देखिए, प्याज हमारा लाल हो चुका है। इसमें अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसका कच्चापन जाने तक इसे हम भुनेंगे। इसके बाद हम इसमें फाइन चॉप किए हुए टमाटर को डालेंगे। टमाटर आप थोड़े से ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि पपीता जो है थोड़े से मीठे होते हैं, टमाटर इसका स्वाद बढ़ाता है। 1 मिनट हम इसे कवर करके पकाएंगे। देखिए, टमाटर हमारा पक चुका है। इसमें अब हम सारे ड्राई मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। और नमक भी अब हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। इसके बाद अब हम चना दाल को डालेंगे। चना दाल को हमने पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। चना दाल को अच्छी तरह मसालों में अब हम मिला लेंगे। और इसे कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट के बाद ये देखिए, मसालों में अच्छी तरह चना दाल मिल गया है। अब हम पपीते को डालेंगे। पपीते को हमने बहुत ही छोटा छोटा काटा है। आप चाहे तो इसमें 2 उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह हम मिलाएंगे और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। इसमें ज़्यादा पानी आप मत डालिए। 2 कप पानी हमने डाला है, जो कि चना दाल बहुत पानी सोख कर लेगा। अब हम इसे कवर करके 1 उबाल आने तक रुकेंगे। 1 उबाल आने के बाद इसमें हम 1 चम्मच चिकन मसाला डालेंगे। हमने यहाँ पर एवरेस्ट का चिकन मसाला लिए है। इसे अच्छी तरह मिलाइए और इसके कुकर लगा के इसमें 2 सीटी आने तक छोड़ दीजिए और इसे ठंडा करके आप इसे परोस सकते हैं। ये देखिए, हमारा चना दाल और पपीते का करी अब तैयार है। इसे आप चावल, रोटी, पराठा किसके साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत स्वादिष्ट होता है और डायबिटीज़ के पेशेंट और हर किसी पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी है। इसे बनाइए और